घंटी अरे टंग 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 अरे टंग टंग टंग। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन ले यामिनी, सुन ले काली नागिन भी। दिल में काला हो तो काम भला सफेद कैसे होगा। काली नागिन के हाथ यामिनी को लग गया भैंसे को मारने वाला इंजेक्शन, और जैसे ही यामिनी को ये इंजेक्शन लगा वो बन गई भैंस। ये परी बाबू क्या हो गया, सर नीचे और ये समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, क्या बोली भैंसा है। अब भैंसे का साथ देने के लिए तो भैंस ही आएगी ना। जैसे ही इंजेक्शन लगा उनकी तो आवाज ही बदल गई। आवाज के साथ साथ चाल ढाल भी बदल गई। अब ऐसा अजब गजब तो सीरियल में ही देखने मिलता है। हो गया ना बवंडर, कर ही दिया, उल्टे सीधे मुंह खोल देती हूँ, इस पे गिर रही हूँ, उस पे गिर रही हूँ, भैंस बन के घूम रही हूँ। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है गलती से हो गई या बाय मिस्टेक जो भी था, गलत बीच में आई, गलत टाइमिंग जो भी था, बट उसके बाद लग गया। अब मैं पागलों की तरफ घूम रही हूँ, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ। अब इन दोनों पैसा आ गया, पैसे खर्च करके सिनेमा घर में आपको कॉमेडी मूवी देखने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटरडे संडे नागिन देख लीजिए, यकीनन आपको दुगना तिगुना नहीं बल्कि चौगुना मजा आएगा। ये पीला पीला क्या है, हाथ मत लगा नहीं तो पीला हो जाएगा। ओ यू मीन उलाला उलाला, छूना ना अब तू बुढ़ी हो गई। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंजेक्शन से तू मुझे जवान बना देगी। आह, पैसे को पैसा मिला, कैसा मजा आया। के मारू के तोड़ू, तेरी टांग तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। अरे मेरी नहीं, उसकी टांग तोड़, जा जाकर तोड़ दे, जब देखो मेरे साथ अंताक्षरी खेलती रहती है। दर्शक सीरियल देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखाएंगे, थोड़ा तो सोचिए कि आप क्या दिखा रहे हैं। बहुत इंजॉय करते हैं सीन्स के बीच में, इनफैक्ट सीन पढ़ते पढ़ते ही हंसते रहते हैं, एंड इनफैक्ट सीन खत्म होते ही हम पागल हो जाते हैं हंसते हंसते, बिकॉज इतनी फनी सीन्स होती है। हम एटलीस्ट सीन के बाद हंसते हैं, पर आशु सीन के बीच में बेचारी हंस देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम अपने आप को कन्विंस करें, अगर हमें हंसी आ रही है इसका मतलब है कि ऑडियंस इस चीज़ को जरूर इंजॉय करेंगे। अगर पार्टली अगर हम बात करें तो दीज लाइन्स हैव बीन लव्ड बाय पीपल, मतलब ये जो केमिस्ट्री हमारी है, जो लाइनें हम बोलते हैं, आई थिंक पीपल हैव रियली लव्ड इट। घर में काली नागिन के साथ ये ड्रामा हुआ तो दूसरी सीधी सादी वाली नागिन भी घर से बेघर होने को तैयार है, क्योंकि रॉकी को अब ये पता चल गया है कि शिवांगी एक नागिन है। देखते जाइए आगे नागिन की कहानी में कितने ट्विस्ट आते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।